आप देख रहे हैं दखल न्यूज। सीहोर माता मंदिर में हुई चोरी के खिलाफ मंडी व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। चोर मंदिर में सोने चांदी का सामान और जेवरात चुरा ले गए थे और पुलिस चोरों का अब तक सुराग नहीं लगा पाई है। मंडी स्थित माता मंदिर में 3 चोरों ने 2 चांदी के मुकुट, 2 सोने के हार, सोने की 8 चूड़ियां, चांदी की एक तलवार पर हाथ साफ किया। मंदिर प्रांगण के सामने लगे CCTV कैमरे में चोरों की गतिविधियां कैद हो गईं। मंदिर परिसर की कुछ दूरी पर रात्रि गश्त पर पुलिस का डेरा रहता है एवं पुलिस अधीक्षक का निवास भी है। व्यापारियों एवं आम नागरिकों में इस बात का आक्रोश है कि रात में पुलिस चंद कदमों की दूरी पर होने के बावजूद चोरी हो गई। कल 22 तारीख की रात को चोरी हुई, इसका पता सुबह चला और माता जी का लगभग सारा सामान ले गए चोर। लगभग कितने की चोरी हुई होगी? 2 से 2.5 लाख रुपए की चोरी हुई है। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? प्रशासन से जल्दी जल्दी चोरों को गिरफ्तार करें और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए। इसके खिलाफ आप आवेदन देने वाले हैं क्या? हम लोग अभी पुलिस महानिरीक्षक के नाम पे आवेदन देने जा रहे हैं थाना प्रभारी मंडी को। हमारी मांग है कि जल्दी जल्दी चोरों को पकड़ा जाए और चोरी का पर्दाफाश किया जाए। इसके लिए हम नवयुग संघ की तरफ से भी 5100 रुपये का इनाम की घोषणा करते हैं कि जो भी चोरी का पता बताएगा उसको 5100 रुपये उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। कल दुर्गा माता मंदिर में उनके माता जी के जेवर चोरी चले गए थे, उसको चोरों को पकड़ने के लिए आज वहाँ के पूरे नागरिकों ने थाने पर आके ज्ञापन दिया है कि अतिशीघ्र इन चोरों को पकड़ा जाए और हमारी पूरी कोशिश है कि हम बहुत जल्दी इन चोरों को पकड़ के जनता के सामने लाएंगे कि इनने चोरी की। चोरी के खिलाफ व्यापारियों एवं आम नागरिकों ने आक्रोश जताते हुए रैली के रूप में पुलिस अधीक्षक के नाम CSP OP त्रिपाठी को ज्ञापन दिया। मंडी व्यापारियों ने चोरों की सूचना देने वालों को 5100 रुपए इनाम देने की घोषणा भी की। CSP OP त्रिपाठी ने बताया कि चोरों की तलाश चल रही है और जल्द से जल्द चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।